नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा पुरकाजी के कांग्रेस नेता पूर्व चेयरमैन मियां नसीम के आवास पर बिजनौर लोकसभा प्रत्याशी के पिता नूरपुर विधायक राम अवतार सैनी व उनकी टीम, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी सत्येंद्र सैनी, नरेंद्र सैनी व लोकसभा पर्यवेक्षक सैयद मुनीर सईद, अफजाल नेता मुर्तजा हैदर पुरकाजी के पूर्व नगर अध्यक्ष सुलेमान पुरकाजी, नगर अध्यक्ष कांग्रेस अजीम खान, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जान मोहम्मद, पूर्व सभा मोहम्मद अजीम, उमरदीन सलमानी, दिलशाद कुरैशी आदि लोग मौजूद रहे और राम अवतार सैनी ने मियां नसीम से आशीर्वाद लेकर वोट के लिए अपील की। अपने लोगों की तरफ से और पुरकाजी विधान पुरकाजी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनकी सब तरफ से, ये दोनों गठबंधन के हम आप कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के भी हैं, समाजवादी के भी हैं, आपके भी हैं और जो भी पार्टी हैं उन सब की तरफ से जो है पुरकाजी के इस क्षेत्र में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है सबसे अधिक आपकी लोकसभा में वोट मिलने का काम करेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। मेरा बेटा दीपक सैनी 4 लोकसभा बिजनौर से लोकसभा का प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी से। आज उसके जीतने के लिए, उनकी सफलता के लिए आदरणीय चेयरमैन साहब का मैं आशीर्वाद लेने आया था और चेयरमैन साहब पूरी ताकत के साथ मेरे बेटे को लड़ाने का काम कर रहे हैं, उसे आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत इन लोगों का धन्यवाद मैं करना है। बहुत लंबी लोकसभा है, 5 इसमें हस्तिनापुर है, चांदपुर है, बिजनौर है, मीरापुर, पुरकाजी, आप मैं कहाँ कहाँ दौड़ती हूँ? मैं सभी विधानसभाओं में गया हूँ और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की अपनी अलग एक लोकसभा है जो 3 जिलों में आती है, 3 मंडलों में आती है और पूरे क्षेत्र में सब लोगों का समाजवादी पार्टी के प्रति रुझान बढ़ रहा और आज हिंदुस्तान के हालात ऐसे हैं। आपको टाइम बहुत थोड़ा मिला है, क्या इसमें सभी से मिलना संभव है? देखिए, चुनाव जनता लड़ा रही है, ये जनता सरकार के खिलाफ लड़ रही है, एनडीए के खिलाफ लड़ रही है और इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बनाना चाहती है। मैं जाऊँ या ना जाऊँ तब भी लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़े। बिजनौर सीट में पुरकाजी विधानसभा ये आखिरी है यहाँ जी, तो इसमें क्या मैसेज देना चाहोगे पुरकाजी वालों? मैं पुरकाजी की आम जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और इन लुटेरों से तानाशाहों से देश को बचाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तय करने के लिए इस सरकार को खाड़ फेंकने का काम करें, ये निवेदन कर। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।